हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइपराइड ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल में। और आज आपके लिए ले आया हूँ मैं भाई एलिवेट। इसकी वीडियो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर आई नहीं थी, सोचा आज आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने खड़ी है एलिवेट। लंबाई की बात करें तो 4300 mm से ज़्यादा लंबी, और चौड़ाई की बात करें तो 1800 mm से ज़्यादा चौड़ी ये गाड़ी हमें देखने को मिल जाएगी। और ये भाई अपना प्रोडक्शन वेरियंट है जो कि शोरूम पर मिल जाती है, तो अभी जा नहीं पाया था तो मैं सोचा यहाँ पर आपको वीडियो इसकी दे देता हूँ। सामने की तरफ कुछ इस तरीके की इसमें मैट्रिक लाइट देखने को मिल जाती है, जो काफी अच्छी चीज है। होंडा की ब्रांडिंग बीच में काफी बड़ी ग्रिल है, एलिवेट की ब्रांडिंग आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। फोग लैंप बीच में देखने को मिलते हैं, और कुछ इस तरीके का ओवरऑल फ्रंट लुक इसके अंदर दिया गया है। और कलर भी ये काफी अच्छा लगता है हमें, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है इसके अंदर। और यहाँ पर भाई सफाई वफाई अच्छी चल रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस अभी तक की इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 220 mm है। टायर की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का इसका टायर है। और टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो ब्रिजस्टोनिया कंपनी ने इसमें टायर लगाए हैं, और टायर सेक्शन इसमें देखने को मिल जाता है आपको R17 17 इंच का टायर है, जो कि सामने की तरफ हमें दिया है, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है इसका। ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। क्लैडिंग इसमें अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ORVM की बात करोगे, ब्लैक कलर के ORVM में इंडिकेटर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करेंगे आगे, एक इसमें सेंसर भी देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक वाइपर का भी ये काम कर देगा। डोर हैंडल की बात करेंगे, क्रोम का डोर हैंडल देखने को मिलता है, साथ में क्रोम की पूरी लाइनिंग आगे से पीछे तक आपको देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ बात करेंगे, यहाँ भी डोर हैंडल देखने को मिलेगा, और तीसरा मिरर भी काफी ठीक ठाक बड़ा दे दिया है, वो ओपन सिर्फ यही होता है। ऊपर रूफ रेल और हमें शॉक पिन एंटीना के साथ हमें सनरूफ भी देखने को मिल जाती है। अगर बैक से बात करें तो बैक से कुछ इस तरीके का ओवरऑल डिजाइन इसका हमें देखने को मिलता है, जिसमें बीच में होंडा का लोगो, एलिवेट, कुछ इस तरीके से इसकी ब्रेक लाइट जलती है। ये इसकी लाइट्स है जो कि DRL का काम करती है। IVTEC की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलेगी, 4 पार्किंग सेंसर, होंडा का लोगो, वाइपर वॉशर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये सारी चीजें पीछे की तरफ देखने को मिल जाएंगी। एलिवेट की ब्रांडिंग कंपनी ने यहाँ पर दिया, कुछ इस तरीके की इसकी लाइट्स है। यहाँ पर आप 45 से 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ इसमें फ्यूल फिलिंग करा सकते हैं। ये है ओवरऑल लुक इसका बाहर से। एक बार अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका इंटीरियर, कैसा इसका इंटीरियर हमें देखने को मिल जाएगा अंदर से होंडा एलिवेट का। मैं बैक साइड से बात करें तो बैक साइड काफी कंफर्टेबल इसकी देखने को मिलती है। और अगर मैं बताता हूँ आपको तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रैक्टिकल गाड़ी है तो अभी तक एलिवेट है, जो कि इसके कॉम्पिटिशन में कोई आती है, जिसमें कि आपको काफी अच्छा नी रूम लेग रूम भी देखने को मिल जाता है। साथ में पीछे वाले 2 AC वेंट यहाँ पर मिल जाएंगे, साथ में 12 वोल्ट का पावर आउटपुट जो कि आपको सर्किट के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पर टाइप ए टाइप सी का कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में ये गाड़ी काफी अच्छी है। फीचर्स के मामले में हल्की फुल्की ये पीछे रह सकती है, क्योंकि आजकल गाड़ियां फीचर्स बहुत ज्यादा देती हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी काफी कम मिलती है उनमें, लेकिन इस गाड़ी में आपको प्रैक्टिकलिटी ज्यादा मिलेगी, फीचर्स इतने नहीं मिलेंगे। ऊपर LED लाइट देखने को मिल जाएगी, जो भी कुछ इस तरीके की है। ग्रैब हैंडल यहाँ से कुछ इस तरीके के देखने को मिलते हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अगर इंटीरियर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का सामने से इंटीरियर देखने को मिलता है। 12 इंच का सामने देखने को मिल जाएगा इसका डिस्प्ले। Level 2 ADAS इसमें ऐड कर दिया गया कंपनी की तरफ से। साथ में इसमें आपको AC वेंट सारे कंट्रोल आगे देखने को मिल जाएंगे, और ये लेदरेट अपोल्स्ट्री आपको सामने की तरफ और वुडन अपोल्स्ट्री भी सामने की तरफ पूरी देखने को मिल जाएगी। स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक हमें इस कार का देखने को मिलता है। पूरा एलिवेट का एक देखने को मिल जाएगा, और पूरा ये डिस्क्लेमर कुछ इस तरीके की इसकी डिस्प्ले यहाँ पर दिख जाती है। और स्पीकर की बात करें, एक स्पीकर यहाँ, एक स्पीकर नीचे, 2, 4 सामने, 6, 2, 8 स्पीकर का सेटअप इसके अंदर भी देखने को मिल जाए, जो काफी अच्छी चीज है। और ओवरऑल लुक इस गाड़ी का कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एक नॉर्मल सनरूफ भी इसके अंदर प्रोवाइड कर दे, जो कि ठीक ठाक फीचर के तौर पर आप इसे गिन सकते हैं। Level 2 ADAS के साथ सेफ्टी फीचर्स काफी अच्छे हो जाते हैं। बाकी होंडा की रिलायबिलिटी हम सब जानते हैं, और प्रैक्टिकलिटी के मामले में होंडा की बेस्ट गाड़ी मुझे ये लगती है, जो कि मैं अभी आपको इसे दिखा रहा हूँ। और ये Level 2 ADAS वाली है, तो इसमें कुछ फीचर्स ही अपडेट हुए हैं, ज्यादा कुछ होंडा से आप उम्मीद मत करना कि आपको कुछ ज्यादा ही भर भर के दे देगी। सिर्फ नॉर्मल फीचर जो प्रैक्टिकलिटी के लिए अच्छे होंगे वही आपको प्रोवाइड करती है। तो ये थी हमारे पास होंडा एलिवेट, जिसकी पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको
इस वीडियो में बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये एलिवेट अच्छी लगी और इसका डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट में बताऊँ, मैं किसी शोरूम पे जाके आपको इसका एक डिटेल रिव्यू दूंगा, अंदर बैठ के एक चीज़ बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लगातार ऐसी ऐसी वीडियो आपको इस पर मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।